हम निडर तब बनते हैं जब हम वो करते हैं जिसे करने से हमें डर लगता है। रोजाना उत्कृष्टता की लहरें समय के साथ सफलता की सुनामी बन जाती है। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा पाना चाहते हो पहले उसे देना सीखे। अगर आपका जीवन विचारने के योग्य है तो फिर ये लिखने योग्य भी है। मस्तिष्क एक बेहतरीन नौकर है लेकिन एक बेहद खतरनाक मालिक भी। जिंदगी बड़े सपने देखने वालों और क्रांतिकारी विचारों वालों का हमेशा इम्तिहान लेती है। क्या आप जो करते हैं या जो हैं उसके लिए श्रेय लेना चाहते हैं तो फिर दूसरों को श्रेय देने वाले बने। आपका आईकैन आपके आईक्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे छोटा कार्य सबसे महान इरादे से हमेशा बेहतर होता है। आपको गुलाब देने वाले हाथों में हमेशा थोड़ी सी खुशबू रह जाती है। परिवर्तन प्रारंभ में सबसे कठिन, मध्य में सबसे बेकार और अंत में सबसे अच्छा होता है। सभी महान विचारकों का प्रारंभ में उपहास किया जाता है और अंततः उन्हें पूजा जाता है। बड़े लोग लोगों को छोटा महसूस नहीं कराते। जीवन को आपको तोड़ना पड़ता है ताकि आपको फिर से बनाया जा सके। हारने वाले समस्या दोहराते हैं, लीडर्स समाधान सुझाते हैं। चिंता दिमाग की शांति छिड़ कर देती है और देर सवेर आत्मा को क्षति पहुंचाती है। बाहरी सफलता कोई मायने नहीं रखती जब तक कि आप अंदर से भी सफल न हो। अपने रास्ते पे खो जाना उस रास्ते को पाने का एक हिस्सा है जिस पे आपको होना चाहिए। रोज छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। हर चीज का दो बार निर्माण होता है, पहली बार मन में और आखिरी बार वास्तविकता में। हम में से हर व्यक्ति इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए है, इसलिए पुरानी बातों को भूलें और भविष्य के निर्माता बने। जब तक आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब तक आप दूसरों को अच्छा महसूस नहीं करा सकते। स्वप्न देखने वालों का अव्यवहारिक होने के लिए उपहास किया जाता है लेकिन सच्चाई ये है कि वे लोग ही सबसे ज्यादा व्यवहारिक होते हैं क्योंकि उनके नव निर्माण का जज्बा ही प्रगति करता है और हमारे लिए बेहतर जिंदगी का रास्ता दिखाता है। मैंने एक बार पढ़ा था जो लोग दूसरों को पढ़ते और समझते हैं वो बुद्धिमान होते हैं लेकिन जो लोग खुद को पढ़ते और समझते हैं वो प्रबुद्ध होते हैं। लक्ष्य प्राप्त करना मायने रखता है और जो बहादुरी भरे काम और साहसिक सपने आप पूरे करना चाहते हैं उनके बारे में लिखना उन्हें पूरा करने के लिए चिंगारी का काम करेगा। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहाँ फेसबुक पे हमारे बहुत से दोस्त हैं पर फिर भी हमने मानवीय लगाव खो दिया है। एक औसत दर्जे की जिंदगी को मत स्वीकार कीजिए जबकि आपके मन के किले के भीतर अपार संभावना निहित है। अपनी महानता का लाभ उठाने की हिम्मत करिए। ये कहना कि आपके पास अपना विचार और जीवन सुधारने का वक्त नहीं है ये कहने के बराबर है कि आप इसलिए पेट्रोल नहीं भरा सकते क्योंकि आप गाड़ी चलाने में बहुत व्यस्त हैं। हंसना दिल खोल देता है और आत्मा को शांति देता है। किसी को भी जिंदगी को इतनी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए कि वे खुद पर हंसना भूल जाए। जीवन की कुछ सबसे अच्छी खुशियाँ बड़ी साधारण होती हैं। अपने जीवन को इनसे भर लीजिए और आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। ये सभी विचार रॉबिन शर्मा जी के थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।